नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। रामचरितमानस विवाद को लेकर चौतरफा घिरे स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की टिप्पणी को आधार बनाते हुए विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। वहीं इसको लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मंत्री व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि कल रविदास जी की जयंती के अवसर पर मोहन भागवत द्वारा बयान दिया गया कि किसी भगवान ने जाति व्यवस्था नहीं बल्कि पंडित ने बनाई है, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि जात पात को संतों ने ही फैलाया है, जिसको लेकर ज्योतिबाई फूले, बाबा साहब अंबेडकर समेत अनेक लोगों ने समय समय पर प्रहार किया है। यदि किसी पुस्तक में या रचना में जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर शूद्रों को, महिलाओं को अपमानित किया गया, उसको हटाया जाना चाहिए। इससे साफ जाहिर हो गया, बयान दिया गया कि जाति व्यवस्था किसी भगवान ने नहीं अपितु पंडितों ने बनाई है। इससे साफ जाहिर हो गया धर्म के नाम पर गोरखधंधा हजारों साल से चल रहा था। समय समय पर हमारे देश में पैदा होने वाले संतों, गुरुओं, महापुरुषों ने इस पर अपनी बात उठाई। संतों की भी एक कड़ी इसी जातिवाद, छुआछूत, ऊंच नीच पर लगातार प्रहार करती रही। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।